जैसे कि एक तरफ पुष्पा नाम की बच्ची क्लेम करती है कि उसके पति ने उसका कत्ल कर दिया, तो वही दूसरी ओर स्वर्णलता का कहना था कि वो एक कोयला उठाने वाली मजदूर है। और राम प्रकाश को तो कोई अगर उसके नाम से बुलाता भी तो वो ये कहता कि वो राम प्रकाश नहीं बल्कि जैन साहब है। और अगर ये सच है तो आखिर पुनर्जन्म होता क्या है और एक इंसान इसे कैसे एक्सपीरियंस करता है? पुनर्जन्म को विज्ञान भले ही ना मानता हो लेकिन कई बार इससे जुड़े मामले सामने आते रहे। क्या सच में मृत्यु के बाद इंसान दोबारा इंसान के रूप में जन्म लेता है? बचपन में जब दादी हमें कहानियां सुनाया करती थी तो दादा की याद आने पर अक्सर कहती थी, वो देखो तुम्हारे दादा तारा बन चुके हैं। तो वही दूसरी ओर अगर हमसे कोई गलत बात हो जाती तो गीता का पाठ पढ़कर हमें फटकारती और कहती, सुधर जाओ, अगर तुम ऐसे ही पाप करोगे तो अगले जन्म में इसका भोग पक्का भरना पड़ेगा। दादी के ऐसे कई स्टेटमेंट सुनकर ऐसा लगता था कि हमारा गेम ओवर होने के बाद नए लेवल पे कंटिन्यू होगा। लेकिन कुछ लोग स्टेटमेंट सुनते नहीं बल्कि स्टेटमेंट्स देते हैं। ताजुब की बात तो ये है कि ये ऐसे सिर्फ 3 केसेस नहीं है। हमारे देश में जब से इस तरह के केसेस को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया गया तब से लेकर आज तक 500 से भी ज्यादा केसेस हमारे सामने आए हैं। अब अगर इतने सारे केसेस हैं तो बेशक सारे के सारे तो झूठ नहीं निकल सकते, ऐसा कुछ तो होगा जिससे आगे और इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। इनफैक्ट इंडिया के ऐसे केसेस से ही साइंस की एक नई फील्ड का इजाद होने में बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन क्या री इंकार्नेशन या पुनर्जन्म जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है? क्या हिंदुइज्म और भारतीय सभ्यता के ग्रंथों में मेंशन किया हुआ पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट सच है? और अगर ये सच है तो आखिर पुनर्जन्म होता क्या है और एक इंसान इसे कैसे एक्सपीरियंस करता है? जो बच्चा बैठा हुआ है ये पिछले जन्म में इस युवक का भाई था। और सबसे हैरान करने वाली बात जो उसने ये बात कही कि मैं मरने के बाद 12 दिन तक घर के नीम के पेड़ के ऊपर रहा। ये कौन है भाई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर राज कालरा। री इंकार्नेशन या फिर पुनर्जन्म के बारे में सुनते ही लोग अपने ख्यालों में करण अर्जुन, कर्ज या फिर ओम शांति ओम जैसी बॉलीवुड पिक्चरों को चलाने लगते हैं। मगर जाहिर सी बात है कि हमारे भारतीय सभ्यता में री इंकार्नेशन की विचारधारा ऐसी फिल्मों और किताबों से कई पहले से एग्जिस्ट करती है और इसके पौराणिक इतिहास की वजह से ही री इंकार्नेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, रिलीजियस और फिलोसफिकल। रिलीजियसली भारतीय मिट्टी पर इसका सबसे पहला जिक्र हिंदू धर्म के वेदों में हुआ था और वेदांतों में री इंकार्नेशन को स्पेशल फोकस मिला है। लेकिन रिलीजियस होने के साथ साथ ये एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट भी है। मेटाफिजिक्स दरअसल फिलोसफी का वो भाग होता है जिसमें हम फिजिकल वर्ल्ड से जो परे है उस विषय पर चर्चा करते हैं, मतलब कि सोल, पुनर्जन्म और कर्म जैसी चीजों को हम मेटाफिजिकल कह सकते हैं। पुनर्जन्म एक ऐसे फिनोमेनन को कहते हैं जिसमें एक लाइफ का अंत नहीं होता बल्कि फिजिकल जिंदगी के खत्म होने के बाद भी वो आगे फिर से कंटिन्यू होती है। भारत के धर्मों और फिलोसफी में इसे कर्म थ्योरी से भी जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि अगर एक जीव इस जीवन में अच्छे कर्म करता है तो अगले जीवन में भी उसे अपने कर्मों के हिसाब से एक बेहतर जीवन भोगने मिलेगा। इस तरह से कर्म और पुनर्जन्म का चक्र सदियों से चलता रहेगा और इस चक्रव्यूह को तोड़कर हम तभी बाहर निकल सकते हैं जब हम मोक्ष की तरफ कदम बढ़ाएंगे और एक्टिवली स्वयं को संसार की माया में फंसने से रोकेंगे। अब ये तो हो गया कि री इंकार्नेशन या यू कहे कि पुनर्जन्म होता क्या है। लेकिन अगर पुनर्जन्म सच है तो एक पुनर्जन्म का केस कैसा हो सकता है या फिर कैसे दिखता है? इसके जवाब के लिए हम भारत के सबसे मशहूर केस शांति देवी के केस को स्टडी कर सकते हैं। 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली शहर में शांति देवी का जन्म होता है। उनके जन्म के 4 साल तक तो वो कुछ नहीं कहती और जब उनके मुंह से आवाज निकलती है तो उनकी बोली दिल्ली के लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं होती और बोली तो बस शुरुआत ही थी। लाल साड़ी और चूड़ियों से लेकर मथुरा में एक मंदिर के दर्शन और अपने पति से मिलने तक, जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे उनकी मांगे और भी अजीब होते गई। शांति देवी अपने आप को लुगड़ी देवी नाम की एक मथुरा निवासी बताने लगी। उनका कहना था कि वो अपने बच्चे को जन्म देते वक्त ही चल बसी और अब उन्हें अपने परिवार के पास वापस लौटना है। इस केस ने पूरे देश में इतना हो हल्ला मचा दिया था कि हमारे देश के बापू गांधी जी भी इसे सॉल्व करने के लिए अखाड़े में उतर गए। उन्होंने 1935 में 15 लोगों की एक कमेटी बनाई
और शांति देवी को मथुरा लेकर गए ताकि इस केस के तह तक पहुंचा जा सके। अगले साल इस कमेटी ने अपनी पब्लिश रिपोर्ट में कहा कि शांति देवी द्वारा कहे गए ऑलमोस्ट सारे स्टेटमेंट सही थे। अब इस केसेस और उसकी रिपोर्ट के हिसाब से तो री इनकार्नेशन के चांसेस काफी हाई है और पुनर्जन्म एक लाइकली पॉसिबिलिटी है। मगर हो सकता है कि ऐसे किस्से और इन किस्सों से जुड़े शब्द आपको काफी मनगढ़ंत और बेतुके लग रहे हो, तो इसके रिस्पॉन्स में मैं ये कहूँगा कि ये सारी चीजें सिर्फ स्पेकुलेशन और हवाई बातों में नहीं है। इनफैक्ट पुनर्जन्म को लेकर एक पूरी की पूरी हार्ड साइंस की फील्ड मौजूद है और इस फील्ड की शुरुआत की थी प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन ने। इन्होंने री इनकार्नेशन रिसर्च के लिए वर्ल्ड में सबसे पहला डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में स्थापित किया था। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और पैरासाइकोलॉजी उनकी स्पेशलिटी थी। जब अपने पैरासाइकोलॉजी के कुछ पेपर से इन्होंने 2-3 लोगों को इम्प्रेस किया, तब इन्हें पुनर्जन्म को स्टडी करने के लिए एक बहुत बड़ी ग्रांट मिली। अगर आप फेमिलियर नहीं है तो रिसर्च की दुनिया में ग्रांट वो पैसे होते हैं जिसकी मदद से एक रिसर्चर अपने आप को पूरी तरह से रिसर्च को डेडिकेट कर सके और उसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती है। 1961 में अपनी ग्रांट मिलने के बाद जब वो इंडिया आए तो उन्हें इमीडिएटली 25 से भी ज्यादा पुनर्जन्म के केसेस मिल गए। इन केसेस को स्टीवेंसन ने थ्रूली स्टडी किया और इंडिया में अपने इन एक्सपीरियंसेस के बाद उन्होंने री इनकार्नेशन रिसर्च की फील्ड के सबसे इम्पोर्टेंट किताबों में से एक 20 सजेस्टिव केसेस लिखी। इस बुक में उन्होंने 20 केसेस को एकदम डिटेल तरीके से डॉक्यूमेंट किया है। मगर री इनकार्नेशन के रिसर्च में इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ केसेस तक ही सीमित नहीं है। निमहांस के हेड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर सतवंत परिचा ने भी इयान स्टीवेंसन के साथ मिलकर इस फील्ड में योगदान दिया है। इनफैक्ट ये खुद पर्सनली इंडिया में 500 से भी ज्यादा केसेस की इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन में इन्वॉल्व थे और इन्होंने पुनर्जन्म पर मल्टीपल रिसर्च पेपर्स लिखे हैं। और रिसर्च पेपर के बिना एक साइंटिफिक फील्ड का कोई वजूद नहीं होता है। मगर जब रिसर्च पुनर्जन्म जैसी चीजों की होती है तो उसकी रिसर्च और उसका साइंस आखिर दिखता कैसा है? तो देखो फ्रैंकली ना, इसे थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचो। ऐसे केसेस को मैथ्स या फिजिक्स की तरह ऑफ कोर्स स्टडी नहीं किया जा सकता, मगर ये साइकोलॉजी और मेंटल रिसर्च की तरह स्टडी किया जा सकता है। रही बात केसेस की, तो इन टोटल जितने भी केसेस स्टडी हुए थे उन केसेस को रिसर्चर्स ने एक रिगरस प्रोसेस के माध्यम से जांचा और परखा। इनफैक्ट हर एक केस के 3 एलिमेंट्स है। फर्स्ट, क्लेम एंड स्टेटमेंट्स। सबसे पहले एक इंडिविजुअल का क्लेम आता है। इस क्लेम के बाद उस इंसान से उस क्लेम के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं। ये प्रोसेस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पुनर्जन्म के ऑलमोस्ट सारे केसेस बच्चों के ही होते हैं और जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तब तक वो अपने पास्ट लाइफ के ऑलमोस्ट सारी यादों को भूल जाते हैं। इस वजह से फेमस होने के फिराक वाले लोग कम हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बच्चों को फेम कोई नहीं चाहिए। तो स्टेटमेंट्स के बाद आता है सेकेंड एलिमेंट, इन्वेस्टिगेशन। जो स्टेटमेंट्स मिले हैं उन्हें अब ऑफकोर्स वेरीफाई किया जाएगा और उस वेरिफिकेशन में सिर्फ इंडिविजुअल का ही नहीं बल्कि उसके इर्द गिर्द के लोगों का इंटरव्यू होगा, यहाँ तक कि वो अपने पिछले जन्म में जिस इंसान के होने का क्लेम कर रहे हैं उसकी फैमिली और उस इंसान के इर्द गिर्द लोगों का भी इंटरव्यू लिया जाता है। मगर ये सिर्फ इंटरव्यू तक लिमिटेड नहीं होता, इन सारे केसेस के फॉलो अप्स भी लिए जाते हैं। उसके बाद आता है फाइनली कंक्लूजन। इन्वेस्टिगेशन के बाद एक केस में टोटल कितने स्टेटमेंट्स मिले थे और कितने सही, आधे सही और आधे गलत निकले, उसके बेसिस पर फाइनली कंक्लूड होता है कि वो केस रीइंकार्नेशन का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है या नहीं। अब देखो क्या है ना, साइंस का ये दस्तूर है कि वो अपने एक कॉन्सेप्ट और थ्योरी पर क्रिटिसिज्म का प्रेशर तब तक डालता है जब तक वो कॉन्सेप्ट या तो हीरे की तरह चमक जाए या फिर धूल बन जाए। इनफैक्ट पिछली सदी के सबसे महान साइंटिस्ट आइंस्टर और उनकी थ्योरी को भी काफी हद तक क्रिटिसाइज किया गया था। मतलब कि अगर उनका नंबर लग सकता है तो रीइंकार्नेशन जैसी नेसेंट रिसर्च का नंबर भी आना ही था। और जैसा कि हमने देखा है कि रीइंकार्नेशन की फील्ड को रिप्यूट प्रेजेंट करने में एक इंडियन रिसर्चर का भी बहुत बड़ा हाथ था। बस बिल्कुल उसी तरह ही स्टीवेंसन और उनकी इस नई फील्ड के सबसे बड़े क्रिटिक्स में से एक क्रिटिक इंडियन ही थे। सीटीके चारी, एक चेन्नई बेस्ड फिलोसोफर और स्केप्टिक ने अपने जीवन में स्टीवेंसन के साथ काफी लंबा करेस्पोंडेंस यानी कि लेटर एक्सचेंज किया और अपने इस करेस्पोंडेंस में इनका स्टीवेंसन और रीइंकार्नेशन रिसर्च को लेकर क्रिटिसिज्म बड़ा सिंपल सा था कि स्टीवेंसन ने जिस कल्चर से केसेस लेकर एक नई फील्ड का इजाद किया था वहाँ रीइंकार्नेशन में बिलीव काफी गहरा था।
तो अगर रीइंकार्नेशन के ट्रू स्टेटमेंट्स का कोई लॉजिकल और मटेरियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है भी तो उस सॉल्यूशन की तरफ लोगों का ध्यान पहले नहीं जाएगा। मतलब कि बात क्लियर है, इस चीज को कोई नकार नहीं सकता कि पुनर्जन्म के काफी सारे क्रिटिक्स थे और है, लेकिन कई साइंटिस्ट ऐसे भी थे जिनका मानना था कि स्टीवेंसन और उनके फेलो रिसर्चर्स ने जिस तरह से रीइंकार्नेशन को स्टडी किया और जिस हिसाब से डेटा प्रेजेंट किया था उससे ये साफ पता चलता है कि ये कोई हवाई किले नहीं बना रहे थे। इन रिसर्चर्स की क्यूरियोसिटी और इनके सवाल लेजिमेट है। इनफैक्ट कार्ल सजन जैसे साइंटिस्ट जो वॉयेजर 2 जैसी मशहूर स्पेस प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी कहा कि ऐसे केसेस को और थ्रूली इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इस विषय पर और साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए या फिर हमारा भारतीय कल्चर इस पर काफी पहले ही अमल कर चुका है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी और फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।